जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCL के मुद्दे पर। और NCL का मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के कारण जो है पिछले बहाली में हाई कोर्ट में केस हुआ था, जिसके कारण से जो है जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कुछ दिनों के बाद प्रकाशित हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि NCL होता क्या है, किस कैटेगरी के छात्र इसे बनवाएंगे, कब तक का मान्य है, कब तक का मान्य नहीं है, ओबीसी में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप कम से कम दिनों में इसे कैसे बनवा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी जा सके। तो सबसे पहले मैं NCL का दोस्तों फुल फॉर्म बता दूंगा। NCL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नन क्रीमी लेयर, और ये जो है BC1 और BC2 यानी कि BC और MBC या EBC वाले स्टूडेंट बनाते हैं कि वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। क्रीमी लेयर का अंतर्गत ये होता है कि यदि आपके पिताजी ग्रुप ए ऑफिसर हैं या आपके पिताजी और माताजी दोनों ग्रुप बी ऑफिसर हैं, उस कंडीशन में आपका जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। और उसको छोड़ के जो है मान लीजिए कि आपके जो सैलरी और कृषि का आय इसमें इंक्लूड नहीं होता है। यदि मान लीजिए कृषि से आप जो है 8 लाख से ऊपर भी अगर कमा रहे हैं तो वो आपको इसमें ऐड नहीं होगा, तो उसके बावजूद भी जो है आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आओगे। तो यहाँ तो बात हो गया क्रीमी लेयर होता क्या है। देखिए, ओबीसी सेंट्रल जॉब में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ आपको ओबीसी लगेगा, जो कि भारत सरकार प्रयोजनार्थ होता है और बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाले सर्टिफिकेट को NCL सर्टिफिकेट कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी MBC और EBC दोनों एक ही होता है, या तो आप MBC बोलिए या तो आप EBC बोलिए, इनको और BC यानी कि पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है NCL सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आपसे ये क्लियर होता है कि आप EBC में आते हो या BC में। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि EBC और NCL सर्टिफिकेट आप कैसे क्या होता है, ठीक है। आप इसे कम से कम दिन में आप बनवा कैसे सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको करंट जाति आय निवास लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो आपके 1 साल पहले तक का यदि जाति आय निवास है तो उसको लेके जो है आप NCL जो है अप्लाई कर दीजिएगा बिहार सरकार का। उसके बाद अपने संबंधित राजस्व कर्मचारी के पास जाके उसको रिपोर्टिंग करा दीजिए। रिपोर्टिंग कराने के बाद आप क्या कीजिएगा, जो RTPS होता है RTPS में जाके उस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा और वहाँ से रिसीविंग ले लीजिएगा या सामने में उसको वेरीफाई करवा के जो है आगे बढ़ा दीजिएगा। जैसे आप आगे बढ़ा देते हैं तो वो RO डोंगल में चले जाता है, RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के डोंगल में चले जाता है, और वहाँ से जो है पर डे सर्टिफिकेट जनरेट होती है। तो ऐसे करके आप 2 दिन में जो है आप NCL सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत स्पीड से जो है ये सर्विस होती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जितने भी नए कर्मचारियाँ हैं वो लोग आपका जो रिपोर्टिंग लोग भी दोस्तों यहाँ पे जो है पर डे 10-20 आस के आसपास जो है इस बहाली निकलने के बाद पर डे जो है NCL अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप जो है संबंधित राजस्व कर्मचारी के पास जाके उसका वेरीफाई करवा लीजिएगा, रिपोर्टिंग करवा के अपने RTPS में जमा कर दीजिएगा, और बहुत जल्द इससे सर्टिफिकेट आपको 2-3 दिन के अंतर्गत जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होकर आपके मोबाइल नंबर पर PDF चला जाएगा। अब ये तो बात होगा कि आप 2 दिन में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए जो है यही है कि आपको थोड़ा सा अपने अंचल में जाना पड़ेगा। यदि आप वहाँ जाने में असमर्थ हो तो अपने घर के किसी मेंबर को भेज सकते हो, छोटे भाई, पिताजी, भाई या चाचा को भी भेज सकते हो उसके अपना आधार कार्ड लेके, फिर भी आपका जो है रिपोर्टिंग हो जाएगा। यदि आप बाहर में रह कर पढ़ते हो, समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। अब बात करता हूँ कि कौन सी गलती को आपको नहीं करना, यही बोलना चाहूँगा। ये जो गलती है OBC को आपको नहीं बनाना है, OBC सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, आपको NCL ही बनाना है, यानी कि जिसमें कि बिहार सरकार प्रयोजनार्थ लिखा हुआ है वही सर्टिफिकेट आपको देना है, ना कि भारत सरकार प्रयोजनार्थ। और बहुत सारे लड़के लोग यही बोल रहे हैं कि आप पुराना वाला चले, तो कितना भी पुराना NCL सर्टिफिकेट क्यों नहीं हो, वो सब वैलिड है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, कितना भी पुराना सर्टिफिकेट होगा सब वैलिड है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए तो आप बेशक ही बनवा सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। 11 नवंबर का लास्ट डेट है, अभी तो अक्टूबर भी नहीं आया, तो इसलिए हड़बड़ाइए मत। यदि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी फॉर्म भर दूंगा, तो पुराना NCL से भी काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास था आपको समझाने के लिए कि NCL मुद्दे पर ज़्यादा घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप जो है इन तरीकों से जो कम से कम समय में अपना बनवा सकते हैं, क्या कैसे क्या करना है, फुल डिटेल्स ये वीडियो में है। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।